हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 23 नवंबर 2018 की प्रिलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं हमारी न्यूज़ डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले जो आर्टिकल आया है वो है अल्मा टेलीस्कोप को लेके। तो अल्मा टेलीस्कोप के बारे में जो न्यूज़ है वो हम जानेंगे। इसके साथ ही क्या है अल्मा टेलीस्कोप और किसके द्वारा बनाया गया है, कहाँ इसकी लोकेशन है, वो हमें पता होना चाहिए। देखो, जो अल्मा टेलीस्कोप है इसकी फुल फॉर्म है आटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप। तो यह चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि अल्मा टेलीस्कोप है, उसका नाम की एक तो पहली बात ही है। अब देखो, आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई, जब आटाकामा लार्ज हो इसका मतलब आटाकामा डेजर्ट वाले एरिया में बेसिक शायद इसकी लोकेशन होगी। और आटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है, ये बेसिकली जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें चिली कंट्री के अंदर है बेसिकली। तो यह हमें ध्यान में रखना है कि चिली कंट्री में इसकी लोकेशन है वो है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन जाता है। कंटेक्स्ट अभी है कि अल्मा जो टेलीस्कोप है उसने अभी एक हमारे जो ब्रह्मांड है उसके अंदर एक ल्यूमिनस गैलेक्सी की खोज की है जो कि काफ़ी तेजी से चमक रही है। तो यह बेसिकली इसका नाम रखा गया है W224605-26। तो देखो, नाम वगैरह तो हमें याद नहीं रखना, बस हमें ये पता होना चाहिए कि अल्मा टेलीस्कोप है वो है कहाँ, इसकी लोकेशन कहाँ है। बस ये दो चार फैक्ट्स हमारे लिए काम के यहाँ पे हो जाते हैं। तो ध्यान रखना कि अल्मा टेलीस्कोप है वो चिली के अंदर है और बेसिकली अभी रिसेंटली इसने ब्रह्मांड में एक ल्यूमिनस गैलेक्सी मतलब चमकदार गैलेक्सी है। इस तरीके से देखो, गैलेक्सी है एक तरह से, पहले तो है ब्लैक होल, बीच में ब्लैक होल के चारों जो वहाँ की डस्ट वगैरह है, गैसेज वगैरह हैं, उनके एक चारों तरफ से एक लेयर बनी हुई है और वो काफ़ी तेजी से चमक रही है। तो एक तरीके से सर्किल की तरफ से हमें वो यहाँ पे दिख रही है और काफ़ी तेजी से चमक रही है। तो उसको लेके अभी अल्मा टेलीस्कोप ने इसको डिस्कवर है वो किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो मलेरिया की रिपोर्ट को लेके आए। WHO ने ऑल ओवर की जो ग्लोबल रिपोर्ट आई है मलेरिया को लेके, उसको लेके कुछ डाटा दिया गया है, तो हमें कुछ फैक्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मलेरिया फैलता किससे, फिर हम चलते हैं आगे रिपोर्ट की तरफ। देखो, मलेरिया है वो बेसिकली फीमेल मच्छर होता है, फीमेल मॉस्किटो है, जिसका नाम है एनोफ्लीज मॉस्किटो। तो यह ध्यान रखना है कि जो मादा एनोफ्लीज जो मच्छर होता है उसके काटने से बेसिकली मलेरिया है वो फैलता है। अब देखो, जो ये मच्छर होता है इसके अंदर एक पैरासाइट पाया जाता है, एक परजीवी होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो जो प्लाज्मोडियम है इसकी वजह से बेसिकली मलेरिया होता है। आपको क्या ध्यान रखना है कि प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है वो एडी जो मॉस्किटोज है इसके अंदर पाया जाता है। और ये जो मॉस्किटो है ये बेसिकली आपको ध्यान रखना कि फीमेल मॉस्किटो के काटने से बेसिकली मलेरिया का यहाँ फैला हुआ है वो होता है। और ये इफेक्ट किसको कहता है, ये जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं या रेड ब्लड सेल्स हैं उनको इफेक्ट बेसिकली मलेरिया है वो करता है। तो तीन फैक्ट हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, इसके साथ ही एनोफ्लीज मॉस्किटो है और रेड ब्लड सेल को यह इफेक्ट है वो करता है। देखो, कंटेक्स्ट ये है कि WHO की जो रिपोर्ट आई है उससे पता चला है कि मलेरिया से निपटने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेशनल फंडिंग में भी कमी आई है। मतलब पिछले 2-3 सालों में अगर देखा जाए तो मलेरिया को लेके इंटरनेशनल लेवल पे जो फंडिंग आ रही है वो काफ़ी कम आ रही है। उसकी वजह से देखा जाए तो पिछले साल लगभग 2 मिलियन लोगों की जाने एक्स्ट्रा चली गई, एक तरीके से मतलब प्रॉपर उनको सपोर्ट है वो नहीं मिल पाया। नॉर्मल एवरेज जितनी डेथ होती है उनसे ज़्यादा डेथ हुई है। क्यों? क्योंकि मलेरिया के लिए फंड की कमी है वो पड़ रही है, इंटरनेशनल फंडिंग है वो लगातार डिक्लाइन है वो हो रही है। तो ये बेसिकली रिपोर्ट है वो आई है। तो यह कुछ फैक्ट है हमें मलेरिया के बारे में वो ध्यान रखना कि किससे फैलता है। देखो, वैसे तो मलेरिया के इलाज संभव है बट फिर भी इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जाने जाती हैं, क्योंकि सैनिटेशन इसके लिए काफ़ी अहम मुद्दा है वो हो जाता है। और इसीलिए भारत की सरकार वो लगातार सैनिटेशन को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे अभियान भी लेके आ रही है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है ग्रोथ टेलीस्कोप के बारे में। देखो, जो ग्रोथ टेलीस्कोप है वो इंडिया के जो लद्दाख वाला रीजन है उसके अंदर एक जगह है जिसका नाम है हानेले। इस जगह के अंदर बेसिकली इसको स्थापित है वो किया गया है और यह एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है इंडिया की। यह चीज़ हमें ध्यान में रखने, नाम से ऑब्वियसली पता चल रहा है। तो एक तो UPSC इसकी लोकेशन पूछ सकती है कि इसकी लोकेशन है कहाँ पे। जिस तरीके से एक फास्ट भी टेलीस्कोप था वो आप ये बताइए कि फास्ट टेलीस्कोप की लोकेशन है वो कहाँ पे है। यह आपके लिए क्वेश्चन है कि फास्ट टेलीस्कोप है वो कहाँ पे लगाया गया है। अब देखो, बात यह है कि जो ग्रो टेलीस्कोप है ये अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों आया है। ये टेलीस्कोप न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि अभी यूनिवर्स में या ब्रह्मांड के अंदर एक नोवा एक्सप्लोजन हुआ था। नोवा एक्सप्लोजन का मतलब ये है कि देखो, एक ड्वार्फ प्लेनेट है, ड्वार्फ स्टार है, सॉरी व्हाइट ड्वार्फ स्टार है, वो क्या हो रहा है एक तरीके से उसकी सरफेस पे एक्सप्लोजन हुआ है, विस्फोट हुआ है। तो इस तरीके से वो हमें काफ़ी दूर तक चमकता हुआ, जिस तरीके से पटाखे फूटते हैं तो उनसे जो चमकदार निकलती है मतलब एक तरीके से चमक निकलती है, उसी तरीके से जो यहाँ पे व्हाइट ड्वार्फ स्टार है
उसके ऊपर सरफेस के ऊपर एक्सप्लोजन या विस्फोट हुआ है, और उसकी वजह से जो है वो कैप्चर किया गया है ग्रोव टेलीस्कोप के द्वारा, मतलब वो सीन ग्रोव टेलीस्कोप के द्वारा कैप्चर किया गया है और उसको नोवा एक्सप्लोजन के नाम से जाना जाता है। तो यह चीज हमें ध्यान रखने की नोवा एक्सप्लोजन क्या होता है, उसको भी रिसेंटली ग्रोव टेलीस्कोप ने डिस्कवर है वो क्या है। बेसिकली देखो, जो नोवा एक्सप्लोजन हुआ है इसका नाम दिया गया है यहाँ पे M31N 2008। देखो नाम वगैरह इंपोर्टेंट नहीं है, इसे मैंने आपको बताया, बस हमें ये तो ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि नोवा एक्सप्लोजन है वो होता क्या है। इसके साथ ही जो यहाँ पे बात करें ग्रो टेलीस्कोप है उसकी लोकेशन कहाँ पे है और उसके कंटेक्स क्या न्यूज क्या थी वो ध्यान में रखनी है कि ग्रो टेलीस्कोप की हेल्प से रिसेंटली नोवा एक्सप्लोजन को अभी आइडेंटिफाई है, उसको देखा गया है, तो उसको लेके न्यूज है वो आई है। एक और होता है देखो, जिस तरीके से नोवा एक्सप्लोजन है उसी तरीके से सुपरनोवा एक्सप्लोजन भी होता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन है इसका मतलब भी होता है, देखो जब तारे होते हैं ब्रह्मांड में, जब वो मरने की कगार पे होते हैं या जब मरने वाले एज में होते हैं, तो वो काफी तेजी से चमकती हुई एक तरीके से लेयर है वो निकालते हैं कुछ इसी टाइप की लहर से, तो उसको बेसिकली सुपरनोवा एक्सप्लोजन के नाम से जाना जाता है। तो नोवा एक्सप्लोजन क्या है और सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या है, दोनों हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ये चीजें हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है ICC प्रोग्राम के बारे में, यानी कि इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल प्रोग्राम को लेके। कंटेक्स्ट ये है कि अभी गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल प्रोग्राम है उसको स्टार्ट है वो किया है, किसके अंडर, इनोवेशन सेल ऑफ MHRD। देखो जो हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी हैं MHRD के मिनिस्टर हैं बेसिकली, उनके द्वारा बेसिकली इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग है वो की गई है। थोड़ा हम बैकग्राउंड से इसको डिस्कस वो करते हैं। आपको पता है कि MHRD मतलब हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज और डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसने कुछ टाइम पहले एक इनोवेशन सेल है वो बनाई थी। ये इनोवेशन सेल इसलिए बनाई गई थी ताकि हमारे देश में जो हायर एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को इंश्योर या उसकी क्वालिटी को बढ़ाया जा सके, क्योंकि देखो ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर टॉप 100 यूनिवर्सिटी की बात करें तो इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी उसमें नहीं आ रही थी। तो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ प्रयास करने की कोशिश की कि भाई हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं उनको के अंदर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए उन इंस्टीट्यूट के अंदर इनोवेशन आना चाहिए और उसके लिए एक नवाचार लाने के लिए उनमें नई तरह की रिसर्च हो सके ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड में वो भी नंबर 1 पे आ सके, या मतलब कहने का वर्ण क्या है कि टॉप 100 के अंदर वो आए स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे नंबर 1 की तरफ अग्रसर है वो। इसके लिए इनोवेशन सेल वो बनाई गई थी और उस इनोवेशन सेल के तहत ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मेन मोटो क्या है वो देख लेते हैं। देखो इस प्रोग्राम का मेन मोटो हम साफ साफ बोले तो इसका यही मोटो है कि हमारे देश के जो इंस्टीट्यूट है उनके अंदर इनोवेशन को प्रमोट करना, ये इसका मेन मोटो है। साइंटिफिक जो इनोवेशन हो गया, साइंटिफिक रिसर्च होगी, इन चीजों को प्रमोट करना ताकि हमारे देश की जो हायर एजुकेशन की क्वालिटी है वो और ज्यादा बढ़ सके और रैंकिंग भी सुधार हो सके। देखो अभी तक बात करें तो 1000 से ज्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, उन्हें तो ऑलरेडी ICC प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया है अपने कैंपस में, मतलब वहां पे इनोवेशंस के लिए उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है और इनोवेशंस को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। इसमें होगा क्या, जो इंस्टीट्यूट है जो यूनिवर्सिटी है वो क्या करेंगी, अपने कैंपस में इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल बनाएंगी, तो इस काउंसिल की हेल्प से जो स्टूडेंट होंगे उनको एक तरीके से अवेयरनेस दी जाएगी कि आप इस तरीके के अपने आइडिया लेके आ जाइए और फिर उनकी हेल्प से उनके आइडियाज को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट किया जाएगा और वहाँ पर और ज़्यादा रिसर्च पर फोकस है वो किया जाएगा। देखो कई बार क्या होती है, कॉलेज में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उनके पास आइडियाज होते हैं बट उन्हें ये नहीं पता होता कि उन आइडियाज को कहाँ जाके वो मतलब किसके साथ शेयर करें और किस तरीके से उन्हें स्टेप उठा रहे हैं, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गाइडेंस की भी कमी होती है, उसके बाद रिसर्च की भी कमी होती है। तो इन चीज़ों से निपटने के लिए इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल का निर्माण है वो किया गया है। तो मिनिस्ट्री तो ऑब्वियसली आपको ध्यान रखनी रखनी है कि MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा इनोवेशन सेल बनाई गई थी और उसके तहत ही हमारे देश में इनोवेशन इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए कैंपस के अंदर ये बेसिकली इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल का निर्माण है वो किया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है अंडमान निकोबार को लेके हैं, तो हमें पहले तो अंडमान निकोबार की लोकेशन है वो अच्छे से पता होना चाहिए ताकि हम वो भी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर सकें। तो देखो अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान है वो बेसिकली हम बात करें तो यहाँ पे 4 पार्टों में है, नॉर्थन अंडमान, मिडिल अंडमान, इसके बाद में यहाँ पे लोअर अंडमान और इसके बाद में आता है लिटिल अंडमान। इनकी देखो सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए, नॉर्थ टू साउथ UPSC पूछ सकती है कि नॉर्थ अंडमान आएगा, लिटिल अंडमान आएगा, मिडिल अंडमान आएगा या कौन सा अंडमान यहाँ पे आएगा, तो हमें ध्यान में रखना है नॉर्थ, मिडिल, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान, ये तो इनकी सिक्वेंस होगी नॉर्थ टू साउथ। और जो इसके कैपिटल है अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, वो बेसिकली यहाँ पे लोअर अंडमान में है, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। अब देखो आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे,
कि इसके बाद में जो निकोबार है उसमें आता है सबसे पहले कार निकोबार, इसके बाद में यहाँ पे आता है लिटिल निकोबार, और उसके बाद में आता है ग्रेट निकोबार। ये बेसिकली हो गए निकोबार हमारे मेन आइलैंड। सॉरी, अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है उसको लेके न्यूज आई है, जिसका नाम है यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंथल आइलैंड। ये आपको दिख रहा होगा, देखो ये नाम छोटा सा। यहाँ पे कंटेक्स्ट ये है कि जो सेंथल आइलैंड है इसको बेसिकली नॉर्थ सेंथल आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, और इस आइलैंड में अभी रिसेंटली एक ट्राइब रहती है सेंथिल ट्राइब, और उस ट्राइब के द्वारा एक अमेरिकन टूरिस्ट थी उनकी हत्या वो कर दी गई, तो उसको लेके हम थोड़ा कंटेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है बेसिकली नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड, अच्छे से आप देख सकते हो इस वाले एरिया में। अब हम थोड़ा अंडमान निकोबार के में और कुछ फैक्ट देख लेते हैं और फिर हम कंटेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। देखो लोकेशन जैसा हमें पता है कि बे ऑफ बंगाल में है, और बेसिकली ऑफ द कोस्ट ऑफ मतलब म्यांमार के कोस्ट के काफी नजदीक है। इसी के साथ ही आपको पता है कि अराकान योमा जो पहाड़ियां हैं जो कि बेसिकली म्यांमार में, उन्हीं का बेसिकली एक तरह का फैला हुआ है, मतलब पहाड़ियों के ऊपर ही बना हुआ है अंडमान निकोबार। ये चीज हमें यहाँ पे पता है। और अंडमान और निकोबार को देखो एक सेकंड मैप में देख लें, ये हो गया हमारा अंडमान और ये हो गया निकोबार, इनके बीच से यहाँ से गुजरता है 10 डिग्री चैनल, तो ये ध्यान में रखना है। और जो 11 डिग्री चैनल है वो गुजरता है यहाँ पर लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच से, मतलब लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान को डिवाइड करता है 11 डिग्री चैनल, और अंडमान और निकोबार को कंप्लीट रूप से डिवाइड करता है वो कहता है 10 डिग्री चैनल। तो ये कुछ फैक्ट यूपीएससी पूछ लेती है तो हमें ध्यान में रखने हैं। कैपिटल हमें पता है कि पोर्ट ब्लेयर में, इसके साथ ही अहम बात करें कि अंडमान आइलैंड में चार पार्ट हमने बेसिकली डिस्कस किया, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। इसके बाद में हम करें निकोबार में तीन पार्ट है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में जो सबसे नीचे का हिस्सा है उसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, और इंडिया का जो साउथर्न हिस्सा है सबसे लास्ट का साउथर्न पॉइंट है वो बेसिकली इंदिरा पॉइंट को ही कहते हैं। तो ये कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। इसी के साथ ही अंडमान निकोबार आइलैंड के पास ही एक छोटा आइलैंड और है हमारे देश का जो कि अंडमान निकोबार में काउंट होता है, उसका नाम है बेरिन आइलैंड। और बेरिन आइलैंड है वो इंडिया का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी है जो कि कभी कभी समय समय पर एक्टिव है वो हो जाता है। तो यह ध्यान रखना है कि बेरिन आइलैंड है वो इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। ये कुछ फैक्ट हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी माउंटेन है बेसिकली अंडमान निकोबार में, ये सारे एक माउंटेन की ही रेंज है जो कि बेसिकली म्यांमार से लिंक होते हुए कनेक्ट है। तो ये थी बेसिकली अंडमान निकोबार में कुछ बेसिक फैक्ट। अब हम चलते हैं बेसिकली यहाँ पे सेंथिल्स ट्राइब के बारे में। देखो यह बेसिकली एक निग्रोटो ट्राइब है, यह चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, जो कि बेसिकली नॉर्थ सेंट्रल अंडमान के आइलैंड में रहती है, जैसा कि हमने आइलैंड की लोकेशन देखी थी। और इनका जो कनेक्शन है, इनके इनके आप बोल सकते हो कि इनके जो लिंकेज है वो जारवा जो ट्राइब है उसके काफ़ी क्लोज है, मतलब जारवा ट्राइब से कनेक्टेड है फिजिकली भी, और इसके साथ ही जो लैंग्वेज की इनकी सिमिलरिटी है वो भी जारवा ट्राइब्स के साथ उनकी सिमिलर है। उम्मीद की जा रही है कि इनकी जो संख्या है वो 150 से लेकर 40 के बीच में है, मतलब मैक्सिमम तो 150 की उम्मीद की जा रही है और कम से कम इनकी संख्या 40 के आसपास उम्मीद है वो की जा रही है। क्योंकि देखो यहाँ पे इंसान की पहुँच नहीं है, अगर इंसान जब भी जाता है तो उन पर हमला कर देते हैं, और इसीलिए भी जो टूरिस्ट थे उनकी हत्या वो कर दी गई थी। अब देखो बात यह है कि हमारे देश में जो ट्राइब्स हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट आया हुआ है जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ अबोरिजिनल ट्राइब रेगुलेशन एक्ट 1956। इसके तहत अंडमान निकोबार की जो ट्राइब्स हैं इनको प्रोटेक्शन दी गई है कि भाई इनकी ट्राइब्स के एरिया के अंदर कोई भी आदमी नहीं जाएगा, कि वो एरिया ट्राइब्स के लिए रिजर्व है, वहाँ पे ना तो फोटोग्राफी अलाउ है ना ही फिल्मिंग अलाउ है, और इसी के साथ ही अगर वहाँ पे एंट्री करनी है तो गवर्नमेंट की परमिशन या फिर जो भी वहाँ की अथॉरिटी है उस अथॉरिटी के बिना परमिशन के वहाँ पे एंट्री नहीं की जा सकती उन आइलैंड में भी। तो ये बेसिकली हमारे देश में एक्ट है वो बनाया गया है। इसके साथ ही हम बात करें, एक होता है आरएपी रेजिम यानी रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट रेजिम। देखो रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट रेजिम का मतलब ये है कि हमारे देश में कुछ सेंसिटिव एरियाज होते हैं कि वहाँ पे अगर टूरिज्म को प्रमोट तो किया जाए तो कोई बात नहीं है, बट अगर टूरिज्म को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है तो उसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है वहाँ के लोकल लोगों को, या फिर वो एरिया काफ़ी सेंसिटिव हो सकता है तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इश्यू हो सकता है, तो उन एरिया के लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट रेजिम है वो स्टार्ट किया गया है। और इसीलिए अंडमान निकोबार के जो जारवा कम्युनिटी है या फिर और भी जो कम्युनिटी है उनके लिए बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट रेजिम रखा गया है, जो कि बेसिकली फॉरेनर रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑर्डर 1963 के तहत बनाया गया है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी फॉरेनर है जो कि भूटान को छोड़ के, ध्यान रखना भूटान में इसको छूट दी गई है भूटान के लोगों को, मतलब कोई भी फॉरेनर है वो बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड एरिया में बिना परमिशन के वहाँ पर नहीं जा सकता, वहाँ पर घूम नहीं सकता। और एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान है, इनके इन कंट्रीज के जो पर्सन हैं उनको तो एंट्री अलाउ है ही नहीं एट एनी कॉस्ट,
ये आपको ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान के जो फॉरेन आप बोल सकते हो कि जो भी यहाँ के लोग हैं वो तो बेसिकली इन एरियाज में जा ही नहीं सकते, उनकी एंट्री तो एरिया में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो ये थी बेसिकली जो कुछ न्यूज जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।